हेलो एवरीवन, राधे राधे, जय श्री कृष्णा। आज मैंने ये सूजी की इडली और चटनी बनाई है, जो कि जब भी आपको साउथ इंडियन डिश खाने का मन हो, इडली खाने का मन हो, तो आप बिना सोचे समझे ये फटाफट इंस्टेंट रेसिपी है। तो इसे आप जब भी इडली खाने का मन हो तो आप इसे घर पे इजीली बना सकते हैं। तो आइए देखिए इडली और चटनी की रेसिपी। सबसे पहले हम इसका बैटर रेडी कर लेते हैं। यहाँ पे हम ये 2 कप सूजी देंगे। इसमें हम 1 कप दही ऐड करेंगे, 1 छोटा चम्मच 1 टीस्पून नमक ऐड करेंगे और इसे हम मिक्स कर लेंगे। इसमें अब हम थोड़ा थोड़ा पानी ऐड करके इसे अच्छे से मिक्स कर लेंगे, इसका बैटर रेडी कर लेंगे। यहाँ पे मैंने 1 कप पानी इसमें ऐड कर दिया है। हम इसे 20 मिनट के लिए रेस्ट पर रख देंगे। तो जब तक हमने ये बैटर को रेस्ट के लिए रखा है, तब तक हम इसकी चटनी रेडी कर लेते हैं। तो यहाँ पे मैंने ये कढ़ाई में 2 हैंडफुल ये मूंगफली दाना लिया है, लगभग ये 100 से 125 ग्राम मूंगफली दाना है। तो इसे गैस ऑन करके मैंने कढ़ाई चढ़ा दी है और इसमें ये डाल दिया है। तो अब हम इसको ड्राई रोस्ट कर लेंगे। तो देखिए मूंगफली भून चुकी है, रोस्ट हो चुकी है। अब गैस को मैंने ऑफ कर दिया है और इसे अब हम एक प्लेट में ट्रांसफर कर लेंगे और इसका हम छिलका उतार लेंगे, इसको सेपरेट कर लेंगे। तो मूंगफली छिलके मैंने उतार ली है, अब हम इसे मिक्सर ग्राइंडर में ग्राइंड कर लेंगे। तो इस तरह से मैंने मूंगफली को लेके ग्राइंड कर लिया है। तो अब यहाँ पे मैंने ये 50 ग्राम धनिया ली है, जिसे मैंने धुल के अच्छे से इसे रख लिया है। ये 1.5 इंच अदरक ली है, जिसे भी धुल के इसे कट कर लिया है। और यहाँ पे 4 हरी मिर्च ली है, इसे भी धुल के इसे रख लिया है। अब ये तीनों चीजों को लेके हम इसे ग्राइंड कर लेंगे। इसमें हम थोड़ा सा नमक ऐड करेंगे, 1/2 चम्मच, थोड़ा सा पानी ऐड करेंगे 1/4 कप और इसे लेके हम ग्राइंड कर लेंगे। अब यहाँ पे हम एक ये भगोने में 2 कप दही लेंगे, दही को लेके हम फेंट लेंगे। तो देखिए दही को मैंने फेंट लिया है। इसमें अब हम ये जो मूंगफली दाना जो हमने क्रश पीसा हुआ है, तो इसे लेके हम इसमें ऐड करेंगे। इसे लेके हम पहले मिक्स करेंगे, हम एक साथ नहीं इसमें ऐड करेंगे, हम इसमें थोड़ा सा ऐड करेंगे पहले। तो इसे मैंने मिक्स कर लिया है। अब हम यहाँ पे ये जो हरी धनिया जो हमने पीसी हुई थी, ये लेके हम इसमें ऐड करेंगे। एज पर टेस्ट इसमें हम नमक ऐड करेंगे और इसे हम मिक्स कर लेंगे। अगर आपको चटनी थोड़ी बनानी है तो आप सारी चीजें हाफ हाफ क्वांटिटी में लीजिएगा। मेरे यहाँ सब लोग चटनी पसंद करते हैं, इसलिए मैंने यहाँ पे थोड़ी ज्यादा चटनी बनाई है। इसमें मैं थोड़ा सा नमक और ऐड करूंगी। अब हम इसे राई का तड़का देंगे, इसे हम ये वेजिटेबल ऑयल डाल देंगे। तेल को हम गर्म होने देंगे।
देखिए तेल गरम हो गया है, यहाँ पे हम 2 टीस्पून ये राई ऐड करेंगे और इसे हम स्प्लैटर होने देंगे। तो देखिए स्प्लैटर हो गया है, गैस को अब हम ऑफ कर देंगे। तो अब हम इडली बना लेते हैं। तो गैस ऑन करके मैंने इडली स्टैंड इस पे चढ़ा दिया है। यहाँ पे इसकी जो प्लेट है इसको लेके हम ऑयल से ग्रीस कर लेंगे। तो ये देखिए बैटर काफी फूल गया है। तो देखिए ये काफी थिक हो गया है, इसमें हम थोड़ा सा पानी ऐड करेंगे। यहाँ पे मैंने ये आधा कप पानी इसमें लेके ऐड किया है। ये थोड़ा थोड़ा पानी ऐड करते हुए हम इसे इसका बैटर रेडी कर लेंगे। तो देखिए ये इसका बैटर जो है ये रेडी हो गया है। इसकी जो कंसिस्टेंसी है इस तरह से हमें रखनी है, एकदम परफेक्ट है ये। और यहाँ पे ये 1 कप पानी लिया था तो इसमें से ये थोड़ा सा पानी ये बच गया है। तो यहाँ पे मैंने ये प्लेन इनो लिया है, तो ये 1 टीस्पून लेके हम इसमें ऐड करेंगे। इसके ऊपर हम हल्का सा 2-3 बूंदे पानी डाल के हम इसे एक्टिवेट कर लेंगे और इसे हम अच्छे से मिक्स कर लेंगे। इसमें हम एक डायरेक्शन में इसको मिक्स करेंगे इनो डाल के, बस हमें इसे फॉरवर्ड डायरेक्शन में ही इसे घुमाना है। हम इसे फॉरवर्ड डायरेक्शन में घुमाते हुए इसमें मिक्स कर लेंगे। बस 1 मिनट के लिए हमें इसे मिक्स करना है। तो स्टैंड के अंदर हम प्लेट रख देंगे। प्लेट को इसमें रख के हम बैटर इसमें पोर कर देंगे। तो इसे हम ढक देंगे और स्टार्टिंग में गैस को हम 5 मिनट के लिए फुल फ्लेम पर रखेंगे। तो देखिए 5 मिनट बाद हम गैस को लो फ्लेम कर देंगे और इसे 5 मिनट के लिए पकने देंगे। टोटल हम इसे 10 मिनट के लिए पकाएंगे। तो देखिए 5 मिनट हो गए हैं लो फ्लेम पे। तो देखिए इडली एकदम पक के रेडी हो गई है। अब हम गैस को ऑफ कर देंगे और इसे हम लगभग 3 से 4 मिनट बाद हम इसे सर्विंग प्लेट में सर्व करेंगे। तो देखिए 3 मिनट हो गए हैं, अब हम इडली को निकाल लेते हैं। ये देखिए ये कितनी स्पॉन्जी बनी है आप देख। तो देखिए कितनी सॉफ्ट और ये स्पॉन्जी बनी है, काफ़ी ये सॉफ्ट बनी है। तो देखिए ये गर्मा गर्म इडली और चटनी बनके तैयार है। तो अब आपको जब भी साउथ इंडियन डिश खाने का मन कर रहा हो तो आप इसे तुरंत इंस्टेंट ये सूजी की इडली और चटनी आप इसे घर पे बनाइए और इसका लुत्फ़ उठाइए। और ये आप देख सकते हैं कि इसमें ये कितनी जालियाँ पड़ी हैं, बहुत ही सॉफ्ट और स्पॉन्जी बनी हैं। तो अगर आपको ये सूजी की इडली और चटनी की रेसिपी पसंद आई हो तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करिए, लाइक करिए और शेयर करिए। तो फिर मिलेंगे एक नई सुबह एक नई शुरुआत के साथ। टेक केयर।